हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवांशन शिवन्या। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं। तो गाइस, आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हम लोग कर रहे हैं दिन के एक बजे से, एक बज रहे हैं दिन के, और हम लोग आए हैं मार्केट। और क्यों आए हैं मार्केट? देखो, ये भी आया मेरे साथ। और मार्केट हम लोग इसलिए आए हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि मार्केट में कितनी भीड़ हो रही है, क्योंकि कल है करवा चौथ और हम लोग आए हैं करवा चौथ की शॉपिंग करने के लिए, और बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है मार्केट में। तो चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं क्या क्या शॉपिंग करते हैं हम लोग। देखो मार्केट का हाल, बहुत भीड़ हो रही है गाइस, बहुत भीड़। चलते हैं जहाँ पे हम जाते ही हैं, चलते हैं वहाँ पर आपको भी लेके। हर साल आते हैं यहाँ पर शॉपिंग करने हम लोग, मैं इनसे ही लेती हूँ हर साल, तो इस बार भी आए यहाँ पे और देखते हैं इस बार क्या पसंद आता है मेरे को। तो चलते हैं अंदर, काफ़ी अच्छे ड्रेसेस मिलती है यहाँ पे। देख रहे हैं गाइस, हम बच्चा घर में भूल गए थे, और ये शॉप जहाँ पे हमने वो ड्रेस लिया था शिवांश का, फायर फाइटर का, और इनका नाम नहीं मिल रहा था। आप लोग बाजार में भीड़ देख सकते हैं, सब औरतें आई है करवा चौथ की शॉपिंग करने के लिए। देखो भीड़, भीड़ देख सकते हैं। भैया ऐसे बुला रहे जैसे फ्री में बांट रहे होंगे, है ना? भैया ऐसे बुला रहे जैसे फ्री में दे रहे होंगे। बाप रे गाइस, यहाँ पे इतनी भीड़ इसलिए हो रही है ना, क्योंकि यहाँ पे ना आगे मेहंदी लग रही है, इसीलिए भीड़ हो रही है। अरे भाई, मैं लगाऊंगा। कह रहे मैं लगाऊंगा गमले, फूल गमले बना दीजिए बस। और गाइस, मुझे ना अपने लिए कुछ मिल नहीं रहा है, पता है, घूम रहे हम लोग मार्केट, देखते हैं अब मिल जाएगा तो ठीक ही है। दो तीन दुकानें देखी मेरे को ये, एक बार यहाँ पे देखते हैं क्वीन 16 में, और यहाँ भी मेहंदी लग रही है। चले अंदर गाइस, वहाँ पे भी पसंद नहीं आए थे, अब दूसरी जगह देखती मैं गई वहाँ पे, लेकिन रेंज की इतनी ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा। तो आगे चलते यहाँ पे पूछती हूँ। तो गाइस ये लगे हैं सूट, तो गाइस वहाँ से आ गए थे हम लोग यहाँ पे, भाई भैया ने ये दिखाया ले लिया उन्होंने। मुझे क्या पता, अरे देख ले, मैं बताऊं ना मेरे को कैसे क्या पता चल रहा है। ठीक है ठीक है, बता रहे हैं इसका कलर था भाई, हमने ये ले लिया भैया से, अभी भी आते हैं, हमें शॉपिंग करनी होती है तो हम इसी शॉप से करते हैं।
तो यहीं से शॉपिंग करती हूँ और यहीं से मैंने इस बार भी लिया है, हर साल यहीं से ही लेती हूँ मैं, काफ़ी अच्छा मिलता है यहाँ पे। तो बस अब हम चलते हैं, चलते हैं गाइस। बस एक दो सामान और लेना है हमने, फिर हम लोग चलते हैं घर। शिवन या शिवांश दोनों घर पे करवा लेना है हमने। हाँ करवा लेना है, थोड़ा और सामान लेना है। पिछले साल का क्या क्या बचा है? कुछ भी नहीं बचा है, वो बची होगी छन्नी वगैरह तो बची होगी यार। हाँ नहीं नहीं छन्नी तो है, लेकिन बाकी और सामान तो लेना ही पड़ेगा, मेकअप का तो हर साल लेना ही पड़ता है। अच्छा मेकअप लेना है तुमने? हाँ बस उस वो लेते हैं फटाफट से और फिर चलते हैं सीधा घर। मेकअप करवाना है तुम्हें नहीं? और गाइस आज ना पता है, रुको, और गाइस आज पता है मतलब नॉर्मली भी जो सामान दे रहा है ना, इतना महंगा सामान दे रहे हैं ना, क्योंकि पता है करवा चौथ है तो लेना ही लेना है कस्टमर, ले कस्टमर के लेडीज तो लेगी लेगी, इसीलिए आज उन्होंने बहुत ज्यादा महंगा कर रखा है। मतलब ये लगा लो आप हर चीज सबसे ज्यादा भाई, मैं तो सोचा था 3500 रुपए का कुर्ता, 3500 रुपए का सूट ये लगाओ गाइस, अब 3500 रुपए का सूट कौन पहनेगा, हम तो नहीं पहन सकते। तो कोई नहीं, हमने अपने बजट के हिसाब से लिया है जितना हमारा बजट है। और मेरे इनको, मैं जब भी कुछ लेती हूँ ना तो पहले मैं इनकी शक्ल देखती हूँ कि इनको कैसा लग रहा है, मैं ये नहीं देखती कि मुझे कैसा लग रहा है, मैं इनकी शक्ल देखती हूँ कि इनको कैसा लग रहा है, क्योंकि अभी 2-3 बार मैंने चीज़ देखी और इन्होंने मुंडे घुमा दी, तो बस उससे पता चल जाता है कि इनको पसंद नहीं आया है, तो फिर मैं वो चीज़ लेती ही नहीं हूँ। तो चलते हैं हम थोड़ा कॉस्मेटिक का सामान लेते हैं और आपको भी थोड़ा दिखाते हैं, तो चलते हैं। तो गाइस यहाँ से लिए हमने कॉस्मेटिक का सामान, ये ले लिया है हमने, और बस अब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। तो गाइस बस सामान ले लिया है कॉस्मेटिक का भी, अब चलते हैं घर, काफ़ी टाइम हो चुका है, भूख भी बहुत तेज़ लग रही है, खाना भी नहीं खाया हमने, मम्मी ने बनाया कढ़ी चावल, तो चलते हैं घर। भीड़ देख सकते हो गाइस, भीड़ हो रही है। ये हाल है इस मार्केट का करवा चौथ से एक दिन पहले। मेहंदी लग रही है यहाँ पे, हम तो घर पे लगाएंगे अपनी मेहंदी। सूट साड़ियाँ, और गाइस यहाँ पे मैं पूछने आई थी, बड़े महंगे महंगे सूट हैं भैया, इतने महंगे महंगे बता रहे थे, 1600, 1700, 1800, 2500, 3500, इतने महंगे गाइस कौन खरीदेगा। एक सूट मुझे पसंद आया था ऐसा अफगानी वाला, और ये दिलाने को भी तैयार थे लेकिन कन्फ्यूजन हो रही थी। तो बस गाइस अब हम लोग निकल रहे हैं मार्केट से और चल रहे हैं घर को, हमने सब कुछ ले लिया है, सारी शॉपिंग हो चुकी है, और आज मेरे हस्बैंड लुट चुके हैं। मैं आपको ना इनकी शक्ल दिखाती हूँ, देखो शॉपिंग कराने के बाद इनकी शक्ल कैसी है। खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन खुश दिख नहीं रहे, शक्ल से ना खुशी झलक नहीं रही है, पता चल रहा है साफ साफ कि खर्चा करके कितना दुख हो रहा है। कोई नहीं, देखो गाइस साल में एक बार आता है और एक बार शॉपिंग करानी तो बनती है, मैं ज़्यादा इनको बोलती भी नहीं हूँ कपड़ों के लिए, बहुत कम बोलती हूँ, तो एक साल में एक मैं, लेकिन जब बोलती हूँ तो 10-15 हज़ार का नुकसान कर देती हूँ। 10-15 हज़ार ये बहुत ज़्यादा ही हो गया, इतना नहीं बोलती, ठीक है। दिल्ली जैसा ट्रैफिक लग रहा है, दिल्ली जैसा। घंटाघर का हाल तो इस टाइम बहुत ही बुरा होगा, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही होगी, और रात होते होते तो बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाएगा वहाँ पे, क्योंकि मेहंदी लगती है तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। अभी मैं आपको पहुँचने वाले, हम घंटाघर में दिखाती हूँ आपको अभी क्या हाल है वहाँ पे, और रात को तो बहुत ही भयंकर हो जाता है, तो इसीलिए हमने आज शॉपिंग कर ली है सब और तीन दिन में निपटा लिया है, तो इसीलिए ठीक है। फिर भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, फिर भी मैं आपको थोड़ा दिखा देती हूँ कैसा है अंदर।
देखो भाई, ओ बाप रे, भयंकर भीड़ हो रही है। अच्छा हुआ ना हमने पहली गली शॉपिंग, है ना, वरना फंस जाते, जाम में फंस जाते। बहुत बहुत भीड़ हो रही है अंदर इस टाइम, और ज़्यादा भीड़ हो गई है। काफ़ी लोग आते हैं दिन में, काफ़ी लोग शाम को निकलते, बोलते कि शाम को जाएंगे हम, तो हमने तो कर लिया शॉपिंग, अब हम चलते घर, बच्चे हमारे घर पे हैं और हमने खाना भी नहीं खाया गाइस, देखो शक्ल कैसी हो गई है। खाना नहीं खाया, पेट में दर्द हो रहा मेरे, मेरे भी से। अब ये खाना खाएंगे ना इनके पेट दर्द होने लग जाएगा, क्योंकि टाइम ओवर हो गया ना। अभी फिर मेरे को पछता भी नहीं खाना, लगता है कि खाना खाऊं ना खाऊं, भाई तो इनके साथ बहुत प्रॉब्लम है। से एक आंटी आई थी ये मेहंदी लगवाने के लिए, तो हमारे जानने करीबी और बगल में ही रहते हैं, बगल वाली बस्ती में, और ये लगवा रही मेहंदी। अब ये मेहंदी लगा के घर जाएंगे अपने सीधा। तो गाइस ऐसे चल रहा है कुछ प्रोग्राम, करवा चौथ के रुझान आने शुरू हो गए, ये देखिए। और ये आई है निशु, निशु चौहान, ये देखिए निशु हाय करो कैमरे में, ये देखो निशु का सिंगाड़ा पोछ रहा है अपनी, और ये देखो सामने ये हमारी शिवान शिवन्या की जो मदर है, ये लगा रही है मेहंदी, और कितनी प्यारी इन्होंने मेहंदी लगा रखी है, कुछ कहने की हद नहीं है। अगर आप लोगों को भी ये मेहंदी पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और देखिए कैसी लगा रखी है। अगर आप, आपको भी ऐसी मेहंदी लगवानी है मेरे पास आ जाना, तो यहाँ पे आप आ सकते हैं। ये देखिए कितनी प्यारी मेहंदी लग रही है, ये देखिए, और निशु, निशु भी बहुत अच्छी लगा रही है, ये देखिए। लेकिन जो निशु ने यहाँ से बना रखा है साइड से, ये गुंजन ने बनाया है, ये अच्छा गुंजन ने बना रखा है, वाह देखिए। और ये अब आंख में कुछ कर रही है, ये खुजली लगने वाली होती है ना, खुजली होती है, अच्छा ऐसा कुछ बोल रहा है यहाँ पे, अच्छा अच्छा